ये 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1320 में खुसरो खां, खुसरव जो था, खुसरव शाह मूलतः गुजराती हिंदू बरादू जाति का व्यक्ति था जो धर्म परिवर्तन के द्वारा मुसलमान बना था। खुसरव शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। याद रखें, तुर्क दरबारी दिल्ली सल्तनत में नसीरुद्दीन खुसरो शाह से बहुत परेशान थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो क्लिप में नसीरुद्दीन खुसरो खान के बारे में चर्चा किया था, नसीरुद्दीन खुसरो खान या नसीरुद्दीन खुसरो शाह पवारी कास्ट का हिंदू था, यानी गडरिया था। वह बाद में मुसलमान बन गया था। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को मारकर वह लगभग 5.5 महीने के आसपास शासन किया था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने दिल्ली सल्तनत में तत्कालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5,000 टन का ब्राइब देकर तथा अन्य कई शेखों को ऐसे ही हजारों टन का ब्राइब देकर, हजारों टन का रिश्वत देकर इन शेखों खासकर निजामुद्दीन औलिया का समर्थन नसीरुद्दीन खुसरो खान ने हासिल कर लिया था। वैसे तुर्क मुसलमानों में नसीरुद्दीन के प्रति असंतोष व्याप्त था। कारण यही था कि वह इंडियन मुसलमान था। दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने इसका फायदा उठाया और तुर्क मुसलमानों को इकट्ठा किया तथा नसीरुद्दीन खुसरो खान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1320 में 1320 ईस्वी में गाजी मलिक, जो उस समय लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था, उसने इंद्रप्रस्थ के पास नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर 8 सितंबर 1320 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए 1000 स्तंभों वाले सीरी के महल में प्रवेश कर दिल्ली के तख्त का मालिक बन बैठा और इस प्रकार खिलजी वंश का अंत हुआ। इसके बाद अगला वंश आता है तुगलक वंश। गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया पर दबाव बनाया कि वह 5,000 टन का जो पिछले सुल्तान से रिश्वत के रूप में लिया था उनसे वापस लेना। दरअसल वो 5,000 टन का नसीरुद्दीन खुसरो खान ने दिल्ली के राजकोष से दिया था। यही नहीं, हजारों टन का उसने अन्य सूफी संतों को वितरित किया था, जिससे रॉयल ट्रेजरी खाली हो गई थी। दोस्तों, उस पैसे को रिकैप करने के लिए गियासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया पर दबाव बनाया था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया उस पैसे को वापस करने से मना कर दिया था। इस वजह से गियासुद्दीन तुगलक तथा निजामुद्दीन औलिया में अनबन हो गई थी, यानी हॉस्टिलिटी हो गई थी।